एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर के गांव में 27 फरवरी 1882 को हुआ था। विजय सिंह पथिक के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर बचपन से ही राष्ट्रवादी सोच विकसित हो गई थी। जब वो इंदौर में थे तब उनकी मुलाकात क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल से हुई। सान्याल ने उनके अंदर देशभक्ति देखी और जल्द ही विजय सिंह उनके क्रांतिकारी संगठन का हिस्सा बन गए। इसके बाद वो सचिंद्र सान्याल के जरिए एक और क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। उन दिनों रास बिहारी बोस की अभिनव भारत समिति देश में क्रांति की तैयारी में थी। विजय सिंह भी इसमें शामिल हुए, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों को उनके बारे में पता चल गया, इसलिए क्रांतिकारियों को अपनी गतिविधियों पर विराम लगाना पड़ा। बहुतों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि विजय सिंह पथिक का असली नाम भूप सिंह राठी था। दरअसल लाहौर असेंबली बम कांड में उनका भी नाम सामने आया था, इसलिए अंग्रेजों से अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपना नाम भूप सिंह राठी से विजय सिंह पथिक कर लिया था। उन्होंने न सिर्फ अपना नाम बदला बल्कि अपनी पूरी वेशभूषा भी बदल डाली और राजस्थान में मेवाड़ियों की तरह रहने लगे। इस दौरान उन्होंने वीर भारत सभा नाम के एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में अपनी भागीदारी दी। बिचौलिया किसान आंदोलन मेवाड़ के किसानों द्वारा साल 1897 में किया गया था। यह आंदोलन किसानों पर अत्यधिक लगान यानी कर लगाने का विरोध था। यह आंदोलन बिचौलिया जागीर से लेकर आसपास की जागीरों तक भी फैला था। इस आंदोलन को कई खास लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें विजय सिंह पथिक भी शामिल थे। जैसे ही विजय सिंह को इस आंदोलन के बारे में पता चला, वो बिना समय गवाए उस आंदोलन में कूद पड़े। इस बीच उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की और गांव गांव पहुंचकर लोगों को इकट्ठा करने का काम किया और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता की भी शुरुआत कर दी। उन्होंने बिचौलिया किसान आंदोलन की जानकारी देश में फैलाई और चर्चा का विषय बनाया। ये विजय सिंह पथिक ही थे जिनके प्रयासों की वजह से इस आंदोलन ने एक क्रांति का रूप ले लिया। इसके बाद लोकमान्य तिलक ने किसानों की मांग पूरी करवाने के लिए महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा था। विजय सिंह से धीरे धीरे देश के क्रांतिकारी और नेता प्रभावित हो रहे थे, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। जब मुंबई में महात्मा गांधी ने एक सभा का आयोजन किया तो उन्होंने विजय सिंह को इसमें आने के लिए आमंत्रित किया था। सभा में एक फैसला लिया गया कि राजस्थान के लोगों को जागरूक करने के लिए वर्धा से एक समाचार पत्र निकाला जाए। इसकी जिम्मेदारी विजय सिंह को ही सौंपी गई और वो वर्धा के लिए रवाना हो गए। विजय सिंह ने अपनी पत्रकारिता के जरिए अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था और बिचौलिया आंदोलन को जन क्रांति का रूप दे दिया था। आखिरकार अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने पड़े और किसानों की कई मांगों को पूरा भी किया गया। किसानों पर लगाए गए कर हटा दिए गए। 28 मई 1954 में विजय सिंह पथिक ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन आज भी वो भारतीयों के दिलों में जिंदा है। और ऐसे ही एक स्वतंत्र सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं SS राजमौली अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें दो स्वतंत्रता सेनानी की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध दिखाया जाने वाला है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉलीगॉन स्टूडियोज को। मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते आपको एक खास खबर तो सुना जाऊं, अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं तो बस आपकी तलाश खत्म होती है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपने, जॉब लिंक पर क्लिक करना और उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाना है। नमस्कार।